मेरी ऑल पैक्ड सारे सूट केसेस यहाँ पे लाइन अप हो गए हैं बिकॉज आज है दिन घर जाने का फाइनली एंड आई एम सो हैप्पी। कोई भी ट्रिप खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा खुशी होती है घर जाने की। आई हैव लाइक सो मच एक्साइटमेंट, राइट स्काई? वी आर एक्साइटेड टू गो होम। यस नो गाइस, लाइक स्काई थोड़ी बड़ी होगी, इसको बहुत कुछ समझ में आता है। आई डोंट नो व्हाट इज द रिएक्शन गोइंग टू बी व्हेन शी गोज होम, बट आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। लाइक उसको समझेगा कि हम घर वापस आए कि नहीं। आई थिंक समझेगा, बट लेट्स सी। राइट स्काई, यू आर इन फॉर अ ट्रीट। मैडम को सबसे पहले आगे जाना है। स्काई इज द मोस्ट एक्साइटेड टू गो होम। तो यहाँ पे एक्चुअली चेकआउट का टाइम होता है 11 बजे। राइट नाउ इट्स 2 o'clock इन द आफ्टरनून एंड निखिल ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज लेट अस चेक आउट एट 1। सो हम लोग कब से बैठे हैं। आई वॉज जस्ट फिनिशिंग माई व्लॉग का एडिट बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट पोस्ट एवरी सिंगल व्लॉग फ्रॉम दिस ट्रिप। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, अगर मैं स्किप हो जाता मैं स्किप ही कर देती हूँ, बट दिस टाइम आई एम लाइक नो, आई एम गोना पोस्ट ऑल द व्लॉग्स। सो दिस इज द सेकंड लास्ट व्लॉग फ्रॉम द ट्रिप और बस एक सैन फ्रांसिस्को का व्लॉग आएगा। सो आई एम जस्ट एडिटिंग एंड डूइंग माई वर्क एंड स्काई एंड सब लोग खेल रहे हैं। होटल में यहाँ प्ले एरिया है तो सब खेल रहे हैं। ये फ्लाइट जो है इट्स गोना टेक ऑफ एट 8:30 एंड एयरपोर्ट इज लाइक जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट ऑफ आर होटल। सो जस्ट 2 मिनट्स लगने वाला है। सो हम 4 बजे निकल जाएंगे बिकॉज हमारे पास बहुत सारा लगेज है और फिर हम एयरपोर्ट पर चिल करेंगे। आज के लिए हमारी जो फ्लाइट है वो 17 hours 25 minutes की है। मुझे लगा था लास्ट टाइम जो मुंबई से न्यूयॉर्क की फ्लाइट ली थी वो सबसे लंबी होने वाली है स्काई के साथ, बट नहीं, दिस इज द लॉन्गेस्ट। दैट वॉज अ 14 hour जर्नी टू न्यूयॉर्क एंड दिस इज अ 17 hours 25 minutes जर्नी फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू मुंबई। थैंक गॉड कि ये एक नॉन स्टॉप फ्लाइट है। हमने एयर इंडिया की फ्लाइट ली है। आई हैव नेवर फ्लोन एयर इंडिया बिफोर। ओके गाइज, लाइक आई थिंक मैं से मुंबई से दिल्ली गई, दिस इज माई फर्स्ट टाइम टेकिंग एयर इंडिया और इंटरनेशनल फ्लाइट। प्लेन चेंज नहीं करना था। आई डिडंट वांट टू गो थ्रू सिक्योरिटी चेक अगेन बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है विद स्काई। सो टुडे आई एम गोना शो यू गाइज हाउ वी ट्रैवल विद स्काई ऑन दिस लॉन्ग लॉन्ग जर्नी एंड हाउ वी मैनेज, बिकॉज बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि वॉट डज स्काई यू ईट, आप लोग कैसे मैनेज करते हो स्काई के साथ फ्लाइट पे। सो सब कुछ मैं दिखाने वाली हूँ। एंड फॉर द हिट ऑफ इट, इस बार पहली बार स्काई का टिकट जो है, स्काई के लिए हमने फुल टिकट दिया है। स्काई हो चुकी है 2 साल की इस ट्रिप पे, तो 2 साल के बाद यू हैव टू टेक अ फुल टिकट फॉर योर किड, लाइक यू हैव टू पे इक्वल मनी। तो हम सबकी टिकट पड़ी है 1 lakh rupees ईच टू गो बैक होम एंड वी हैव टेकन इकोनॉमिक क्लास दिस टाइम बिकॉज हमें बोला घर जाके रेस्ट ही करना है और हमको जो बिजनेस क्लास है बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था। सो इट वॉज गोइंग अ लिटल वे टू ओवर द बजट बिकॉज इस ट्रिप पे भी हमारा बहुत खर्चा हो चुका है। तो हमने सोचा कि चलो लेट्स गो बाय इकोनॉमी एंड लेट्स सी इफ स्काई को फुल सीट मिलेगी, तो वो तो सो ही जाएगी and the rest I'll explain to you guys on the flight, but it's going to be challenging and interesting because itne lambe flight pe Skyu kaise manage karegi nahi pata, but one trick I always do is ki hum log hamesha jo bhi hamara schedule rehta na, time schedule at the moment, uska sleeping time ka flight lete hain taki zyada tar time pe Skyu so sake. So even from Mumbai when we took off when it was like night time in Mumbai, तो स्काई पूरे टाइम फ्लाइट पे जो है सो रही थी बिकॉज यू नो दैट वाज अ टाइम टू स्लीप। सो सिमिलरली अभी उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो रात का है और हम तभी टेक ऑफ करें जब सैन फ्रांसिस्को मतलब यूएस में रात को होगा। सो शी विल बी लाइक स्लीपिंग ऑन मोस्ट ऑफ द फ्लाइट। दैट्स द प्लान, फिंगर्स क्रॉस। प्लीज स्काई यू से बाय टू ऋषभ, यू नॉट सेइंग बाय टू ऋषभ। ये वी आर डन विद चेक इन, इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी। आज हमारे चेक इन में थोड़ा एक्स्ट्रा लगेज हो गया। एक्चुअली एक्स्ट्रा लगेज नहीं, वी वर डाउन 28 kgs बाय आर लगेज अलाउेंस, लेकिन एक बैग में 33 था इंस्टेड ऑफ 23। तो उन्होंने बोला कि इवन इफ यू हैव लेस टोटल लगेज आपको एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा। सो वी पेड लाइक ऑलमोस्ट 11,400 rupees एक्स्ट्रा फॉर जस्ट 10 kgs मोर, बट दैट्स फाइन। एंड अभी सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग एकदम फटाफट हो गया एंड सिक्योरिटी मेरे ऑलवेज चेक स्काई यूज मिल्क को स्कैन करते हैं क्योंकि मैं बहुत सारा लिक्विड कैरी करती हूँ, बट दे ऑलवेज अलाउ इट। इट पूजा बिफोर फ्लाइट बिकॉज बोर्डिंग के लिए अभी है 1 घंटा और फ्लाइट को टेक ऑफ करने के 2 घंटे। सो बी ईटिंग समथिंग एंड फ्लाइट को टाइम बाकी है तो स्काई को चाहिए अपना स्नैक। यू हैव टू ओपन एंड ईट। हाँ, ओपन एंड ईट, उसका फेवरेट है। अभी किसी और का केला लेने जा रही थी वो अपना बनाना खाते हुए, छोटी सी बंदर। ये हमारी सीट। आई एम सो ग्लैड दैट वी गॉट द न्यू एयरक्राफ्ट ऑन एयर इंडिया, जो सीट्स बदल चुकी है एंड आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट दिस फ्लाइट इन रिव्यूज। एंड हमने एक्सेल सीट ली, वी पेड एक्स्ट्रा 10,000 rupees ईच ऑन एवरी टिकट, तो वी हैव गॉट लाइक एक्स्ट्रा लेग स्पेस, सो दैट्स ग्रेट। 6,500। एंड स्काई को आ रही है नींद। डाइपर, वी विल चेंज योर डाइपर एंड वी विल गेट यू रेडी फॉर बेड। ओ सॉरी,
एंड दिस इज द लैबोरेटरी. काफी छोटा है पर इट्स फाइन. देयर इज अ चेंजिंग स्टेशन तो स्काई को चेंज करने के लिए भी इजी. एंड 45 मिनट्स मोर देन वील टेक ऑफ एंड 17 आवर्स 25 मिनट्स की जर्नी है. वैसे तो मैंने देखा कि 16 आवर्स 15 मिनट्स लगता है पर दिस इज 17 आवर्स 25 मिनट्स. सो लेट्स होप वी लैंड बिफोर टाइम. आई एम होपिंग सो एंड आई होप कि फ्लाइट टेक ऑफ भी सही वक्त पे करे. डॉट्स ऑफ मस्ती. मैंने अपना नैप नहीं लिया था सो शी इज नैपिंग राइट नाउ. सो आई गेस 2 घंटे का नैप लेगी अभी एंड फिर उठ के खेलेगी और फिर से सोएगी. दैट्स गुड टू सी. आई टोल्ड यू ऑलवेज फ्लाई व्हेन इट्स अ बेबी स्लीपिंग टाइम. और ये सीट आई थिंक ऐसे के लिए ही दी है. एक बार टेक ऑफ कर देंगे देन वी विल पुट दैट. तो ये स्कायू का बेड हमने बना दिया है. फिलहाल वो उस पर सो नहीं रही है एंड एज सून एज द फ्लाइट टुक ऑफ ये 10 मिनट में उठ गई. एक्चुअली उसको भूख लगी थी एंड वी चेंज और इन टू कम्फर्टेबल क्लोथ्स. होपफुली थोड़े टाइम के बाद वो इस पर सो जाएगी. इट्स लाइक अ मिनी बेड फॉर हर. अभी हमारा फर्स्ट मील है. फ्लाइट को 2 घंटे हो चुके हैं एंड स्कायू के लिए भी यही मील लिया है हमने. वी डिडंट टेक अ किड्स मील बिकॉज ये खाना खाती है. सो यस लेट्स गो. मजे के मूड में फुल मस्ती कर रही है. पानी पी रही है. खाना खा के हो गया. टीवी देख के हो गया. डांस करके हो गया. तो अभी वो मस्ती कर रही है. आई थिंक ऑलमोस्ट 11:20 हो गया है सैन फ्रान में. तो नेक्स्ट 1 आवर में स्कायू का स्लीपिंग टाइम हो जाएगा एंड वन शी गोज टू स्लीप शी गो टू स्लीप वेरी नाइसली. उसका बेड भी एकदम कम्फी है. हमने ट्राई भी किया तो मस्त इसके लिए बेड बन गया ऑलमोस्ट लाइक बिजनेस क्लास. तो ये सो गई मतलब हम सो जाएंगे. स्कायू सो गई. मील्स वी गेट टू स्लीप. आई जस्ट वॉन्ट 4 or 5 hours ऑफ स्लीप बिकॉज जब हम मुंबई पहुँचेंगे इट्स गोना बी नाइट टाइम वंस अगेन. सो दैट वर्क. देखो सबको हाय बोलना है. सबको स्माइल लेना है. मस्ती कोड मस्ती कोड. ओ यस. ऋषभ ने बहुत ही स्वीट गिफ्ट दिया स्कायू को. इट्स लाइक अ टैब वेयर शी कैन लाइक ड्रॉ बिकॉज स्कायू को ड्रॉ करना बहुत पसंद है. सो अभी थोड़े टाइम के लिए शी विल डू टाइम पास ऑन दिस एंड होपिंग कि इसके बाद में दूध पीने के बाद इसका हो जाएगा टाइम फॉर बेड. ये मूवी देख के ऐसे लग रहा है कि हमारा ट्रिप फिर से रीप्ले हो रहा है इस मूवी के अंदर. जो भी हमने ट्रिप किया इस बार न्यू जर्सी न्यूयॉर्क टू लाइक सैन फ्रांसिस्को भी पर इस मूवी में वेगस तक कई लोग ने ट्रिप किया है. तो एकदम मेमोरीज रिफ्रेश हो रही चीज़ों को देख के. अपने सीट पे बैठ गई है. इसको नींद नहीं आ रही है. कार्टून देख रही है. और हमने स्कायू के लिए ये जो इन्फ्लेटेबल पिल्लो होता है फ्लाइट के लिए उसको एकदम इन्फ्लेट कर दिया. सो इट बिकम्स लाइक एन एक्सटेंडेबल बेड फॉर हर. सो इट्स मैडम का देखो. एंड रात के 2 बजे हैं. 1:30 स्कायू मेरे ऊपर सोई एंड अभी फाइनली वो अपने बेड पे सो गई है. काफ़ी कंफर्टेबल से अच्छे से सो गई है. आई वाज वेटिंग फॉर हर टू गो इन टू डीप स्लीप एंड नाउ शी इज गॉन टू स्लीप. अगर आपके पास एक किड है जो बिलो द एज ऑफ 3 ईयर्स है तो आपको ये इन्फ्लेटेबल पिलो में इन्वेस्ट करना चाहिए. बहुत अच्छा है. एंड अगर स्कायू अच्छे से सो जाती है मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है. व्हेन इट्स टाइम फॉर मी टू गो टू स्लीप एज वेल एंड कैच सम स्लीप बिकॉज जब स्कायू सोती है मतलब दैट्स आर क्यू टू गेट सम रेस्ट. एंड स्कायू के 3 घंटे सोने के बाद उन्हें लाइट्स ऑन कर दी तो स्कायू को उससे उठना पड़ा बिकॉज वो डिस्टर्ब हो गई. एंड दे वर सर्विंग अस ब्रेकफेस्ट एट 5 AM इन द मॉर्निंग सैन फ्रांसिस्को टाइम. तो हम उठ के खा रहे थे एंड आई वॉज एक्चुअली वेरी हंग्री एज वेल. तो मैं इनका चीज़ ऑमलेट मंगा के खा रही थी एंड
एंड somehow this was really really good compared to the other food that they served us in the flight, so thank God. And इसके बाद I tried to put Skyu in deep sleep ताकि मैं उसको अपनी जगह पर फिर से shift करूँ, लेकिन तब तक मैंने उसका inflatable pillow मेरे पैरों के नीचे डाल दिया. And trust me guys, ये adults के लिए हमारे लिए भी बहुत अच्छा investment है यार, I've really discovered. और अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं एंड Skyu अभी तक मेरे ऊपर ही सोई है बिकॉज उसको नीचे जाना ही नहीं, और फ्लाइट पर बहुत ठंडी थी, सो इवन आई वॉज इन्जॉइंग इट ऑनस्टली. निखिल भी एकदम डीप स्लीप में चला गया था एंड इवन आई गॉट सम रियली गुड रेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6 hours. सो दैट वॉज रियली रियली नाइस. लाइक Skyu सोती है तो मुझे भी नींद आना ही था एंड ये बहुत कम्फर्टी था. मैंने पीछे अपना पिल्लो रख दिया था अपने पैरों के नीचे, इन्फ्लेटेबल पिल्लो, तो एकदम मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल ये था सेटिंग. एंड डिड आई टेल यू लाइक एयर इंडिया हैज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल इकोनॉमी सीटिंग अरेंजमेंट. लाइक ये मुझे इतना कम्फर्टेबल लगा सीट दैट आई जस्ट लव्ड इट. एंड अभी बचे हैं सिर्फ 2 घंटे लैंड करने में, सो आई ऑर्डर्ड माई कॉफ़ी बिकॉज देयर कॉफ़ी इज सो अमेजिंग एंड दे गेव अस सम चिकन काटी रोल. और Skyu भी उड़ गई आफ्टर 10.5 hours ऑफ स्लीपिंग नॉन स्टॉप. इसने तो फुल अपनी रात की नींद ले ली, तो ये बिल्कुल एकदम फ्रेश थी. बड़ा आई लव्ड इट बिकॉज मैं भी काफ़ी अच्छे से सोई, सो वी वर ऑल वेरी वेरी हैप्पी किड्स. एंड यू नो आई लिटरली हैव टू से लाइक दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल. He slept so well. Skyu slept for 10 hours on the flight. यार पर मुझे बस एक ही कंप्लेन है इस फ्लाइट पे, लाइक आई डोंट नो व्हाई द फूड वाज रियली सो एवरेज फॉर सम रीज़न. लाइक एयर इंडिया हैज़ डेफिनेटली हैज़ बेटर फूड, लाइक व्हेन आई वाज टेकिंग ऑफ फ्रॉम मुंबई टू एनी डेस्टिनेशन, बट शायद हम सैन फ्रांसिस्को से टेक ऑफ करें तो द फूड वाज रियली ओके ओके, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन. सीट के कम्फर्ट के आगे द फूड कैन बी इग्नोर्ड ऑनेस्टली. सर देखा 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 पिल्लो देखा कैसा है, मैजिकल चीज़ है ये, मैजिकल चीज़. In case you guys are wondering, this is what my mom bag looks on a flight every time I'm traveling. इसमें Skyu के wipes, body lotion, इसका coloring book with crayons, milk bottle, water bottle, diapers, clothes change, सब कुछ इसमें रहता है whatever she need on a flight. And a lot of times I also carry baby food like baby प्योरी जो खा सकती है flight पे. And अभी because अब सिर्फ half an hour रह गया land करने के लिए, तो मैं Skyu को फिर से कपड़े change कर दिए, diaper change कर दिया. I'm combing her hair because we're getting ready to land. एंड Skyu का हमेशा नखरा चलते रहता है. आई वॉन्ट टू वेयर माई शूज. एंड वी हैव चेंज Skyu बिकॉज 40 मिनट्स टू लैंड. लुक एट हर हाउ हैप्पी शी इज, 10 घंटे की नींद के बाद सुपर फ्रेश. One thing I like about Air India flight is that the seats are extremely comfortable. And 10/10 की इनका स्टाफ बहुत अच्छा है. And literally they have like baby milk ready all the time you ask them. So I love that. We are descending. Time to land in 30 minutes. I have to say this was the most smoothest, longest flight ever. तो हम land 1 घंटे पहले हुए before time, just like how I wanted. We landed at 2 instead of 3. ऑलमोस्ट 1 hour हो गया है, 55 मिनट्स हो चुका है. इमिग्रेशन एवरीथिंग वॉज रियली क्विक, पर हमारे बैग जो आ ही नहीं रहे, हम आधे घंटे से रुके, होपफुली आ जाएगा. आई थिंक इट्स इन द लास्ट लॉट, सो वी जस्ट वेटिंग. ये बैग्स आए हैं 2. वेरी एक्साइटेड टू सी कि Skyu का रिएक्शन क्या होगा घर जाने के बाद. आई डोंट नो इफ शी अंडरस्टैंड और नॉट, तो पता चल जाएगा. ट्रिप पे Skyu हैज शोन ट्रेमेंडियस ग्रोथ, लाइक शी बिकम सो गुड इन मेकिंग कॉन्वर्सेशन विद पीपल, टॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, इमोटिंग. सो आई एम जस्ट लाइक वेरी एक्साइटेड टू सी वो समझती है कि नहीं. Skyu already knows that she's back to her building. Look at her run. I'm so excited to see कि Skyu का reaction क्या होने वाला है. But I think she already knows कि ये lift है,
ये सब उसको पता है सब कुछ. सो स्मार्ट. डू यू नो वी आर होम? तो अभी ये राइट साइड पे जाती हूँ कि नहीं. कम मेरे सर हाउस. Go Sky, where are we? Water. What's that? Water. What's this? Water. What's this? What's this, Caillou? Water. What's that? Water. What's this? Water. What's this? Home. Water. Do you know it's our house? Nani, Masi and Nanu came and cleaned the house and went for us today. Look! Jaan gayi hai guys, jaan gayi please. Skyu definitely knows that we are back home. She's so smart guys. Like is trip pe maine itna growth dekha hai Skyu mein. She's become so bold. She talks to every stranger and I just love that. Ye dekho, aate hi dekho. No more traveling from tomorrow. No more Rishabh Bhaiya from tomorrow. What's this? Yay! घर पे आने का जो मजा है. Man, I waited for this moment to be back to our bedroom. इतना travel करने के बाद I was like tired, exhausted. I was like मुझे अपने खुद के बेड पे सोना है. तो मुझे खुशी हो रही है. My dad used to come like regularly to take my parcel and everything and to keep the house clean because उनको लगा कि घर में चूहा होगा. So he used to come whenever he would get time and like literally today they came in the morning and they cleaned the entire house because मम्मी ने बोला Sky आएगी तो घर बहुत गंदा रहेगा. She cleaned the entire house and it's looking so clean. What's this fan? Sky, what's this? This is our bedroom. This is fan. Are you happy? Yes, yeah, she's happy. जब भी वो ऐसे slow walk करती है, means she's very happy. That's fan. What's that? That's a fan, baby. Say fan. Come on, you know how to say it. Say it. What is? Yay! We're so happy. Give high five. What's give high five. What's that's a fan, but give high five. No high five. आजकल बहुत inquisitive हो गई हर चीज़ पे. What's this? What's that? This that. वो ही करती रहती. Sky, what's this? बाहर निकल तो बाहर निकल तो. Yay! यहाँ पे Sky की खुद की गाड़ी है. You're happy, right? ये कार को देख के खुश हो गई वो. हम सब चीजें निकाल रहे हैं जो स्पिलविल हो सकता है. We shopped a lot of home items and you know a lot of supplements और वो सब and लोगों के gifts भी हम निकाल के बस साइड में रख रहे थे so that we don't have a lot of things to do tomorrow. डायपर्स की स्मगलिंग की है 300-400 डायपर्स की वो हम निकाल रहे हैं. Guys, 95% shopping is done for Skyu amongst all our shopping. That's the truth. And the 45 in the morning and we are clearly jet lagged. पर हमारे घर पे यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं लकड़ी लग गया because building में painting होने वाला है. But just look at this view, man. How I missed it. एकदम hill station लग रहा है. और मुंबई का weather is chumma right now. I'm so happy to be back home. Like guys, I cannot tell you. But I think I need to get some few hours of sleep because I want to stay awake the whole day. So abhi 6:45 ho raha hai, I'll just sleep for maybe 2 hours and feel fresh. And also for the review of my Air India flight, main kabhi Air India international udi nahi hu. So I'll give you my very very honest review.
लाइक मैं कन्वर्ट हो चुकी हूँ, मैं इतनी इंप्रेस्ड हूँ. अभी जो टाटा ने टेक ओवर कर लिया एयर इंडिया को, माई गॉड द सीट्स आर सो कम्फर्टेबल. इट इज मच कम्फर्टेबल देन इवन एमिरेट्स का इकोनॉमी सीट. एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि निखिल ने एक्सेल सीट ली थी, तो इतना सारा एक्स्ट्रा लेग स्पेस था एंड इट वॉज जस्ट परफेक्ट फॉर मी. हम लोग एक्चुअली ट्राई करना चाहते थे कि स्काईयू के साथ इकोनॉमी में जाके खुद के सीट में कैसे ट्रैवल होता है. एंड आई एम इम्प्रेस. एक 17 आवर लॉन्ग जर्नी इतने आसानी से हो गई. दिस इज हैंड्स डाउन द बेस्ट फ्लाइट जर्नी आई हैव हैड विद स्काईयू. एंड आई एम नॉट सेइंग इट ऐसे ही, लाइक दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सो इम्प्रेस्ड. एंड ये जो डायरेक्ट फ्लाइट का सीन है ना गाइज, लाइक कोई भी लॉन्ग जर्नी करनी है वाया फ्लाइट लेते हैं तो इतना टायरिंग हो जाता है, स्पेशली विद अ किड. सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑन वी आर ओनली टेकिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स. And yeah, if you're coming from New York to Mumbai or you're coming from San Francisco to Mumbai or कोई भी ऐसा place जो direct flight है आपके city से, you should definitely, you can go for Air India. It's amazing. ना निखिल? Perfect. हम लोगों को बहुत. मुझे लगता है वो directly Mumbai से आया था because it was such a long flight. तो लोग बहुत extra meal नहीं stuff कर सकते because when I went, it was the tray was filled with food, but this time थोड़ा उन्होंने खाना का टेस्ट इतना ग्रेट नहीं था, बट द कम्फर्ट वॉज सो गुड कि खाने के पार्ट हम इग्नोर कर सकते हैं. बट या द फूड कुड बी बेटर, बट अदर देन दैट लाइक द फ्लाइट वॉज जस्ट अमेजिंग. एकदम जेट लैग्ड है, नहा धो के ये भी इसको नींद नहीं आ रही है, ये थोड़ा सोएगी तो मैं सो पाऊंगी. बट एनी वेज गाइज, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप यू गाइज इंजॉयड वॉचिंग इट एंड आई फील सो ग्रेट बींग बैक होम एंड फाइनली स्टार्टिंग 2024 इन मुंबई. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. And let me know if you want to know anything more about this trip.